गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फंडा फाइव। आज की वीडियो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है, जिसमें हम सीख रहे हैं कि ट्वेल्थ क्लास का जो टर्म वन पेपर है, जिसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, उसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो आज हम कर रहे हैं विस्टास बुक का चैप्टर नंबर वन। जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं द थर्ड लेवल, ये ट्वेल्थ क्लास के बच्चों की बुक विस्टास से है। ये क्वेश्चन आरटीसी का क्वेश्चन है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें एक पैसेज आपको आया हुआ है, इसी से रिलेटेड चार क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको पैसेज को पढ़ना है जल्दी से और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आई हेयर स्टैंड्स फॉर, आई किसके लिए दिया गया है। तो ये तो नाम दिए हुए हैं, स्पीकर है, टिकट क्लर्क है, यूजर है, चार्लीज है। चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, पहली लाइन भी पढ़ लेते हैं। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल, कहाँ पे टर्न हुआ था वो, ग्रैंड सेंट्रल में। तो क्या आंसर हो गया, चार्ली ही जब चैप्टर में बताता है तो वो बताता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। तो हो गया फर्स्ट का सी। चाहे अभी आप अपनी कॉपी में ऐसे करके लिख लेंगे कि फर्स्ट का सी पार्ट चार्लीज। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, ही इज जर्निंग एट द, पहले ही लाइन में दिया हुआ है कहाँ जा रहा था वो, ग्रैंड सेंट्रल। तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे, कहीं दिया हुआ है ग्रैंड सेंट्रल ऑफ न्यूयॉर्क, यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंड का ए। ठीक है, कम टू द थर्ड, थर्ड पार्ट में हम देखते हैं द सेकेंड लेवल इज मेंट फॉर द, सेकेंड लेवल पर क्या था। तो हमने देखा था कि ये जो सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल है, स्टेशन है, यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, और सेकेंड लेवल पर कौन सी गाड़ियाँ थी, सब अर्बन ट्रेन्स थी, जो सिटी से छोटे छोटे आसपास के कस्बे शहर होते हैं वहाँ तक उन्हें ले जाती थी। तो हमने जल्दी से लिख दिया थर्ड का बी। फोर्थ क्वेश्चन, आपने देखा कि डायरेक्ट अगर आप इसको नोटिस कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर दो सेंटेंसेस अपनी तरफ से दे दिए गए और नीचे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड ट्रेन बाय यूजिंग इट एंड नाउन एंड वर्ब। ठीक है, नीचे दो सेंटेंसेस या तो आप बनाओ, नहीं तो यहाँ पे बने हुए हैं, इनमें से बताओ कि किसमें वर्ब की तरह यूज हुआ है और किसमें नाउन की तरह। तो सेंटेंस हम देखते हैं, ही हैज ट्रेन हिमसेल्फ टू बी अ क्वालिफाइड टीचर। ठीक है, जब मैं यहाँ हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई है और ट्रेन के आगे ईडी लगा है, नाउन में तो कभी लगता नहीं है ईडी, तो ये क्या हो गया, वर्ब, बहुत ही सिंपल सा हो गया। तो पहला क्या है इसमें, वर्ब। तो हम यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये है आपका वर्ब। दूसरे ऑप्शन में हम देखते हैं ऑल द लोकल ट्रेन्स, अब गाड़ियों की बात हो रही है। जब भी हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं, वस्तु का या किसी भी चीज़ का, तो वो क्या कहलाती है, नाउन। तो लोकल ट्रेन्स क्या हो गई, नाउन। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि पहला आंसर वर्ब है, दूसरे में नाउन है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, सेकंड। तो जल्दी से हम फोर्थ में यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ का बी, और अगर आपके पास शीट है वो, तो उसमें जल्दी से सारे हम भर देंगे। तो बेटा बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हमें पैरे को पढ़ना है, और इससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, सीधे सीधे पैरे में देखते जाएंगे। और एक बात जरूरी है कि जितनी बार आप अपनी बुक से चैप्टर्स को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसका कंटेंट आपके दिमाग में होगा, उतनी जल्दी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। आप देख रहे हो कि तीन क्वेश्चंस करने के लिए हमें पैसेज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि 90 मिनट्स में हम टाइम को कैसे सेव करें और सारे आंसर कैसे लिखें, इसके लिए हम चैप्टर को बार बार सुने, बार बार रीड करें, पैसेज को। सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि ये पैसेज है किस चैप्टर से, क्योंकि अभी तो मैं चैप्टर में से करा रही हूँ, तो आपको पता है ये थर्ड लेवल में से है, लेकिन पेपर में तो पूरी बुक से आएगा, पूरे सिलेबस से आएगा। तो हम इसमें कुछ वर्ड्स ढूंढ लेते हैं, जैसे कि स्टैक ऑफ पेपर्स है ना, न्यूज बॉय, ये किस में थे, अगर हम देखें द वर्ड, ये और भी अच्छा आ गया, द वर्ड, ये कौन से चैप्टर में से हैं, अगर आप ध्यान दो तो द थर्ड लेवल में से, जो हमने कल पढ़ा था। थोड़ा हमें आइडिया हो गया, पेपर हमारा जल्दी टाइम से ख़त्म हो, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, द स्पीकर वांटेड टू कंफर्मिंग दीज एग्जिस्टेड, क्या कहना चाहता था, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है। आप देखिए फर्स्ट लेवल, फोर्थ लेवल,
सेकंड लेवल या थर्ड लेवल? आंसर है थर्ड लेवल, क्योंकि दो लेवल तो उसमें थे ही थे, लेकिन स्पीकर कौन था आपका? चार्ली, वो बार बार कह रहा है कि यहाँ पर थर्ड लेवल भी है, तो हम इसको जहाँ पर ये है सी पर गोला भर देंगे, और जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो जल्दी से इसको फन का सी टिक मार्क कर लेंगे। जैसे ही आपको आंसर मिल जाता है कम टू द पार्ट टू, टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि 90 मिनट्स का पेपर है, ठीक है ना। हमें इस पैसेज को पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि आपकी बुक से आया है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से आया है ये आपको, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है टिक करेंगे, नहीं मिलता तो हम पैसेज को फटाफट से पढ़ेंगे। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट हैड नॉट बीन पब्लिश फॉर इयर्स, कितने सालों से क्या नहीं छपा था? तो छपने की बात पूरे चैप्टर में न्यूज़पेपर की हुई थी, और न्यूज़पेपर का नाम हमेशा हमें रटा होना चाहिए, और न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। तो इसमें भी हमें टाइम भी लगाना है, क्योंकि दो क्वेश्चन 15 नंबर का पेपर ऐसा आएगा जिसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है। जो आपकी बुक से आया है, आपका नॉन पेपर है, उसको जल्दी जल्दी करके आगे मूव ऑन करना है। हो गया, ठीक है। ये भी कम टू द डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज ड्रूसा, तो हमें मालूम है इस चैप्टर में तीन ही कैरेक्टर थे, नंबर वन चार्ली, नंबर टू ड्रूसा, और नंबर थर्ड उसका फ्रेंड सैम, जो कि बाद में पता लगा था यही उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो कौन थी? अब जल्दी से हम चार्ली को ढूंढे इसमें, या वाइफ वर्ड को ढूंढे जहाँ पर भी हमें मिलता है। तो यहाँ पर चार्ली नहीं है, यहाँ भी चार्ली नहीं है, यहाँ पर वाइफ आया है। तो वाइफ किसकी थी? स्पीकर। और पूरे चैप्टर में कौन बोल रहा है? चार्ली। आंसर हो गया सी। इज इट ओके? देखो कितना आसान है करना, लेकिन गलती से भी आपने ए बी पे लगा दिया तो आपको जीरो मिल जाएगा, तो बहुत ध्यान से करना है। लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज हैज द सेम मीनिंग एज इन दीज लाइन, अब इन दीज लाइन्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपकी वोकैब से आ गया, ये इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप चैप्टर करो तो उसकी जो न्यू वर्ड्स हैं अपनी कॉपी में लिखो, उनको डेली रिवाइज करो। कुछ मैंने वीडियोस भी सेंड किए चैप्टर वाइज, तो उनको आपको बस सुनना है, क्योंकि हमें ये सुनना है और बार बार सुनना है। जब हम एक ही चीज़ को बार बार सुनते हैं, लिखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो हमें याद हो जाते हैं। ठीक माने होता है ढेर, ठीक है। एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ सम जब हमने पोएम की थी तब हमने ये वाला वर्ड किया था, है ना। ठीक माने होता है ढेर, स्टैंड। तो यहाँ पर ढेर क्या था? अखबार का ढेर था, है ना, जिसके लिए इसने यूज किया सैक ऑफ पेपर्स। एक और तरीका होता है आंसर ढूंढने का, है ना, कि अगर हमें डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा तो हम उल्टा देखते हैं, या तो हमें डायरेक्ट आंसर आता हो, और या फिर हम वो देखें जो इसका आंसर नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट करते जाएं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो अब जो दो हो सकते हैं इसमें से, क्योंकि पैरा में यूज हुआ है स्टैक, तो हम इसको यूज करेंगे स्टैक। फिर से एक पैसेज हमें दिया हुआ है, अभी हमें मालूम है कि ये पैसेज थर्ड लेवल से ही है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो किसी भी चैप्टर में से पैसेज आ सकता है। तो इसमें से हम पहचानते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें बताएंगे कि ये चैप्टर थर्ड लेवल से है। तो इसमें जो कीवर्ड आ रहा है वो सेकेंड लेवल आ रहा है, ट्रेन गेट्स आ रहा है, तो इससे पता लगता है कि ये चैप्टर थर्ड लेवल से है। अब हम जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीकर इज मैंशनिंग हिज डैश एक्सपीरियंसिस ऑफ जर्नी, जो वो यात्रा कर रहा था, जब वो घूम रहा था, तो वो कौन से एक्सपीरियंसिस शेयर कर रहा है? ऑप्शन देखते हैं, यूजुअल, अनयूजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर फ्लिकरिंग। तो फ्लिकरिंग तो हो नहीं सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कुछ खास नहीं थे, और वो यूजुअल भी नहीं थे, तो वो कैसे थे? अनयूजुअल। तो हम इसको टिक कर देंगे पेपर में, तो गोले भरने के लिए आएंगे वहाँ पर, इसको अच्छे से डार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर का बी का, कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, द स्पीकर वॉज मच एस्टोनिश्ड टू सी डैश, जो स्पीकर था यानी कि चार्ली बहुत हैरान हुआ, क्या देखकर, क्या देखा उसने? सेवरल टिकट विंडोज, ओनली वन टिकट विंडो, न्यू सेलर विंडोज, या फ्यूअर टिकट विंडोज। जब वो थर्ड लेवल पे गया था तो वहां पर उसने बहुत कम टिकट विंडो दिखाई थी, तो कौन सा आंसर आएगा? फ्यूअर टिकट विंडोज, बहुत कम विंडोज उसको दिखाई दी थी। यहाँ पर हम लिख देंगे सेकेंड का डी। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप यहाँ से लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं आता तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे रूम कैसे थे, बहुत ही स्मॉलर थे, और फ्यूअर टिकट विंडोज। मिल गया आपको आंसर यहाँ पर, जब हम पैसेज में देखते हैं तो यहाँ हमको मिलेगा फ्यूअर टिकट विंडोज, यहीं से आपके इसको
फिल कर रहे हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। ऑन द सेकेंड लेवल ही सॉ दैट दीज वर ओनली सेकेंड लेवल पर उसने देखा क्या देखा ऑन द सेकेंड लेवल ही सॉ दैट दीज वर ओनली कि वो कैसी लाइट्स थी। नीचे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक लाइट्स थी कैंडल लाइट्स थी गैस लाइट्स ऑफ ओपन फ्लेम। तो जब वो सेकेंड लेवल पे जा रहा था और वो नीचे की तरफ जा कर के जब लेफ्ट को टर्न हुआ तो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। तो एक्चुअली वो सेकेंड लेवल ना होकर के क्या था वो थर्ड लेवल था। ठीक है ना, जो उसकी इमेजिनेशन में था जो वो सोच रहा था। तो वहाँ पे कैसी लाइटें जल रही थी गैस लाइट्स ऑफ ओपन फ्लेम जो फ्लिकरिंग कर रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड का सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर। दिस पैसेज हैज बीन रिटन बाय तो ये पैसेज किसने लिखा जिसने ये चैप्टर लिखा। तो किसने लिखा ये जैक फिनिक। किसने लिखा है जैक फिनिक। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में इस पैसेज में सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे। तो अगर आपको पैसेज पहचान नहीं आ जाता है पेपर में तो आप क्वेश्चन पढ़िए आंसर करिए सीधा आंसर आपको आता है तो जल्दी से टिक मार्क कर दीजिए। और अगर थोड़ा डाउट है दोबारा से पैसेज को पढ़िए आंसर को फाइंड आउट करिए और अपने आंसर्स कंप्लीट कीजिए। कम टू द पैसेज फोर। इस पैसेज को हम पढ़ेंगे इसमें की वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे जैसे फैंसी हेडबैंड कॉच रिकर्ड क्लब और भी आप वर्ड्स को अंडरलाइन करके पहचान सकते हैं कौन से चैप्टर में से है। तो ये हमें पता लग गया थर्ड लेवल में से है। तो जब थर्ड अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है द स्पीकर इन अ मूड टू रीच। स्पीकर कहाँ जाना चाहता था स्पीकर जाना चाहता था इलिनॉइस में। ठीक है, थर्ड लेवल पर तो वो ढूंढ रहा था उसको कुछ कुछ दिख रहा था तो जगह का नाम उसने पूछा है हमें डायरेक्टली पता लग गया इलिनॉइस। तो फर्स्ट के आगे जो डी है आप उसको डाल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर टू द टिकट क्लर्क स्टीयर्ड एज द स्पीकर बिकॉज जो टिकट क्लर्क था वो जो चार्ली से बात कर रहा था वो उसको घूर रहा था। स्टीयर्ड माने होता है घूरना तो वो ऐसा क्यों घूर रहा था बिकॉज ही वॉज इन अ फैंसी ड्रेस। क्या वो कोई फैंसी ड्रेस पहन के आया नहीं क्या। He was having old currency, उसके पास old currency नहीं थी लेकिन currency दूसरी थी तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तीसरा क्या था He wanted to cheat the club, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था तो आंसर हो गया He was behaving awkwardly, वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। अब अजीब सी हरकतों में सब कुछ आ गया कि उसने वो टिकट मांग रहा था दो लेकिन उसके पास नोट दूसरी तरह के थे तो इसलिए हमने इसको टिक कर दिया सेकंड का डी डी पर हमने मार्क कर दिए। तो देखा आपने कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू स्किन। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर एक वर्ड नजर आ जाएगा टू स्किन। जब वो क्लर्क से टिकट खरीदना चाहता था तो उसको बोलता है कि क्या तुम इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी क्या तुम मुझे चीट करना चाहते हो। तो यहाँ आंसर है टू बार्गेन। तो वो पूछता है क्या तुम मुझे चीट करना चाहते हो तो हम देखेंगे कौन सा आंसर है टू स्किन की मीनिंग क्या है टू बार्गेन टू लॉस टू चीट। तो आंसर हो गया थर्ड का सी। जैसे कि मैंने बताया हर पैसेज में एक क्वेश्चन वोकैब से जरूर आएगा यानी कि वर्ड मीनिंग टाइम जिसमें सिनोनिम लिखना होगा एंटोनिम लिखना होगा तो ये आपको लर्न करनी है अच्छे से। नाउ इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट द स्पीकर वांट्स टू गो पिट्सबर्ग इलिनॉइस एंड इट इज फेमस फॉर। वो वहाँ पे जाना चाहता था क्यों क्योंकि क्या वहाँ पर क्या चीज थी वहाँ पर आज़ादी थी बहुत खुला खुला था। बार बार वो बताता है कि लोग बाहर बैठते थे आपस में डिस्कस करते थे जो लेडीज थी वो आपस में पंखा करती थी। तो कौन सा पार्ट आएगा ग्रीनेस एंड स्पेस एंड ग्रीनरी। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ का बी। तो ये थे बेटा चार पैसेजेस जो आपने थर्ड लेसन में से किए। तो इसको आपको अच्छे से कॉपी में लिखना है प्रैक्टिस करना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। थैंक यू।